दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है अगस्त का महीना खत्म होने वाला है एंड सितंबर फाइनली क्लॉक करने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च हो सकते हैं। आप इसे 70 और 30 का रेशियो लेकर चल सकते हैं क्योंकि कुछ स्मार्टफोन जो है वो सिर्फ रूमर्ड है, उनकी फुल्ली कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। दोस्तों मेरा नाम है रंजन और मैं स्वागत करता हूं आपके टेकैज़म के बिल्कुल फ्रेशर कमाल के एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, पूरी वीडियो देखें, अगर उसके बाद पसंद आता हो तभी लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिड या फिर बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन की बात करते हैं ना, यानी कि जो 15 से 20 हज़ार रुपए तक आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं। रूमर्स ये भी है कि रियलमी और शाओमी अपने नंबर सीरीज का फोन भी लॉन्च कर सकता है। रियलमी अपने 10 और 11 सीरीज के कुछ फोन लॉन्च कर सकता है एंड शाओमी अपने 12 सीरीज के भी कुछ फोन जो है वो सितंबर के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। पोको ने भी अपना एक फोन टीज करके रखा है जो कि पोको M5 4G है। इसके अंदर आपको हेलियो G99 का सपोर्ट मिलेगा जो कि एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। और साथ ही साथ इन्फिनिक्स भी अपना नोट 12 प्रो जो है वो लॉन्च कर सकता है और इसके अंदर भी आपको हेलियो G99 का सपोर्ट मिलेगा। इन दोनों फोन के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी विद 90 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है एंड 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि नॉर्मली सारे मिड रेंज डिवाइस के अंदर आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, हेलियो G99 जो है उसके साथ आपको और भी फोन जो है ना वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। दोस्तों मिड हाई रेंज यानी कि 30 से 40 हज़ार रुपये तक के स्मार्टफोन की बात करें ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि शाओमी का 12 लाइट जो कि इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 778G प्लस का सपोर्ट मिलेगा, 6.7 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है आपको और ये आपको मिड सितंबर में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। तो इस प्राइस सेगमेंट का जो दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है ना वो है रियलमी का GT Neo 3T जो कि काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड और हाइप था पिछले कुछ महीनों से, बट अब फाइनली रियलमी ने इसे टीज कर दिया ऑफिशियली और ये मिड सितंबर में लॉन्च हो सकता है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 SoC का सपोर्ट मिलेगा, 6.6 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है और इसका प्राइस रेंज जो है वो 25 से लेकर 27 हज़ार रुपये के आसपास आ सकता है। दोस्तों अगर रियलमी की बात करते हैं तो इसका GT 3 भी सितंबर में लॉन्च हो सकता है, हालांकि ये बस एक रूमर्ड फोन है बट स्टिल इसके चांसेस हैं कि ये सितंबर में लॉन्च हो जाए। IQ भी इस प्राइस सेगमेंट में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छे फोन डिलीवर कर रहा है एंड सितंबर में भी ये रूमर आ रहा है कि IQ का Neo 7 जो है ना वो लॉन्च हो सकता है। इसके अंदर आपको MediaTek का 9000 प्लस SoC का सपोर्ट मिलेगा जो कि एक बहुत ही कैपेबल और स्ट्रांग प्रोसेसर है, बट स्टिल ये फोन अभी बस रूमर्ड है। दोस्तों फ्लैगशिप फोन यानी कि 50,000 या फिर उसके ऊपर के प्राइस रेंज की बात करें ना, तो इसके अंदर शाओमी अपना 12 अल्ट्रा या फिर 12 प्रो वेरिएंट जो है ना वो लॉन्च कर सकता है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का सपोर्ट मिलेगा और 2K AMOLED डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इसका प्राइस रेंज भी 60 to 70,000 के अराउंड होने के चांसेस हैं। एंड 7 सितंबर को एप्पल का लॉन्च इवेंट कैसे भूल सकते हैं। इसके अंदर एप्पल अपने आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च करने वाला है जिसमें आईफोन 14, 14 प्रो, 14 मैक्स और 14 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाले हैं। एंड द लास्ट वन मोटो H30 अल्ट्रा जो कि 8 ऑफ सितंबर को लॉन्च हो सकता है एंड मोटोरोला के H30 वेरिएंट के अंदर आपको किसी एक फोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा, 2K की AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर को ये फोन जो है वो सपोर्ट करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियोज के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।